कितना 270 रुपये में वो टिप आया ये ऑर्डर पे। तो कस्टमर ने थैंक यू भी बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, सीधा ऑर्डर लेके चल पड़े। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं। मैं आपको दिखाने वाला रात को 12 से लेके 5 बजे तक टोटल अर्निंग कितनी होती है, कितने ऑर्डर आते, कितना कस्टमर रेटिंग और कस्टमर टिप और कितना गाड़ी किलोमीटर चलता है वो दिखाने वाला हूँ। आई थिंक मैं आपको 3-4 ऑर्डर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे कॉल चढ़ने वाले हैं अभी ये वीडियो में स्टॉप करने के बाद, सीधा आपको मैं दिखाऊंगा 3-4 ऑर्डर होने के बाद। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस प्लीज जितना हो सके वीडियो को स्टार्ट टू लेके एंड तक देखना, सपोर्ट करो अपने भाई को, ठीक है गाइस। चल तो मैंने सोचा चलो कुछ ऑर्डर ही मार लेते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल मैं हूँ वाकड़ में, मेरे को अभी गिरा 14 ऑर्डर। आप बोलेंगे भैया पहले क्यों नहीं चालू किया वीडियो, एक्चुअली मेरा फोन चालू था तो मेरे को वीडियो चालू नहीं करने मिला, तो मैंने बोला ठीक है अभी बना लेते हैं। तो गाइस अभी मैंने जस्ट 3रा ऑर्डर वाकड़ में दिया, अभी मेरे को वाकड़ से किधर गिरा मेरे को नहीं पता, तो चलो जाते हैं 4th ऑर्डर पिकअप करने। फाइनली अपना 15 मिनट वेट करने के बाद अपने को 4th ऑर्डर मिल चुका है, इसको देना है सोमेश्वरवाड़ी जो कि ड्रॉप है 8 किलोमीटर। भाई एक नंबर ऑर्डर गिरा है, तो चलो गाइस इसको जाके फटाफट डिलीवर करते हैं। इसमें 5 तंदूर रोटी है। तो कस्टमर का फोन आया था, कस्टमर ने मेरे को बोला कि भैया कितना टाइम लगेगा, मैंने बोला सर आपका ऑर्डर रेडी हो रहा है, रेडी होने के बाद मैं एक 10-15 मिनट में आ जाता हूँ। कस्टमर के लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ मैं, कस्टमर ने तो यही लोकेशन दिया है, तो ये रेस्टोरेंट का बाहर में वेट कर रहा हूँ। अभी कस्टमर से बात हुआ तो उन्होंने बोला कि आप होटल के बाहर वेट करो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। तो आई थिंक आ गया, आवाज़ तो आया लेकिन गाइस रोड पे देखो कोई नहीं है, खाली कुत्ते लोग है। ये भाई ये तो बिल्ली आ गई, भाई बिल्ली ने ऑर्डर किया क्या? चलो कस्टमर आ गया लगता है, चलो ऑर्डर दे देते हैं। एंड चलो गाइस अपना 4th ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है। ये ऑर्डर की मेरे को मिले 79 रुपीज़ और टाइम लगा 49 मिनट्स, ठीक है गाइस। अभी फिलहाल मैं वो बानेर रोड पे, ये देख सकते हो आप लोग, फिलहाल मेट्रो का काम चालू है तो वन साइड रोड बन रखा हुआ है, तो ट्रैफिक थोड़ा हो रहा है भाई, तो कोई बात नहीं। तो ये देखो भाई कितने बड़े बड़े मशीनें काम करने के लिए आ चुके हैं भाई, ये भाई। तो गाइस 5th ऑर्डर का वेट करते हैं। तो गाइस नाइट में ना खाली एक ही दिक्कत है, वो है कुत्ते लोग का भाई, हर गली में हर एरिया में जाके वहाँ पे कुत्ते लोग है भाई, इतने पीछे लगते हैं ना। वैसे मैं तो डरता नहीं हूँ भाई, मैं तो सीधा उन लोग के पीछे लग जाता हूँ, लेकिन क्या पता भाई उसमें से एक अगर रहेगा मेरे जैसा एकदम हट्टा कट्टा भाई मेरे पीछे लग गया तो इसके लिए भाई थोड़ा डर लगता है, और कुछ नहीं। तो वेट करते हैं अगर क्या होता है सीन। तो भाई चलिए 10 मिनट वेट करने के बाद अपने को 5th ऑर्डर भी गिर चुका है, अपने को जाना है सबवे, पिकअप दिखा रहा है भाई 2.5 किलोमीटर और ड्रॉप दिखा रहा है 4.5 से 5 किलोमीटर। फिलहाल मैं हूँ अभी बानेर में और मेरे को पिकअप गिरा है आउन का। तो गाइस चलो जाते हैं अभी आउन में ऑर्डर पिकअप करने के लिए, ठीक है गाइस। फिलहाल मस्त ठंडा ठंडा हवा छूट रही है, मस्त मज़ा आ रहा है भाई काम करने को, लेकिन क्या फ़ायदा भाई घर पर जाने के बाद वापस गर्म होगा। तो ऑर्डर भी पिकअप हो चुका है, इसको देना है पाशन रोड पे, पाशन साई चौक पे देना है। तो चलो गाइस इसको जाके फटाफट से डिलीवर करते हैं। और गाइस देखो कितना सन्नाटा है भाई, कोई नहीं रोड पे तो भाई ऐसे ही मजा आता है नाइट मारने को। पहले तो मैं बहुत नाइट मारता था, 1.5 साल बैक टू बैक मैंने नाइट मारा था कंटिन्यू, एक भी छुट्टी नहीं लिया था, लेकिन भाई अभी नहीं पॉसिबल होता है क्योंकि अपने यूट्यूब पे वीडियो भी डालने रहता है ना, तो इसके लिए मैं नहीं नाइट मारता कंटिन्यू। तो चलो गाइस इसको जाके अब डिलीवर करते हैं पाशन में। फिलहाल यहाँ पे देखो छोटा मंदिर है, आई का मंदिर है, कौन सा तो देवी का मंदिर है भाई। एंड चलो गाइस कस्टमर की बिल्डिंग में आ चुका 5th ऑर्डर लेके। तो कस्टमर को मैंने कॉल किया कि मैं आपकी बिल्डिंग में नीचे आ चुका हूँ, क्योंकि भाई रात को कैसे कोई कोई बिल्डिंग में अलाउ नहीं रहता है ना, तो पहले कंफर्म करने पड़ते हैं क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होते हैं। तो कस्टमर ने ठीक है आप ऊपर आओ कोई बात नहीं, तो अभी जा रहा ऊपर देने को 5th ऑर्डर। फिलहाल अपनी लिफ्ट भी आ चुकी है गाइस। तो चलो गाइस ये ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, ठीक है। अब दिखा दो अभी कितना टाइम लगा और कितने पैसे मिले। फाइनली अपना 5th ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है, 23 मिनट में ऑर्डर को डिलीवर किया और ये ऑर्डर के मिले मेरे को 50 रुपीज़, ठीक है। और कस्टमर का कैश ऑन डिलीवरी था 230 रुपये, ठीक है। और गाइस कस्टमर ने मेरे को दिया 500 रुपये, कस्टमर को मेरा ना चेंज नहीं है क्या? नहीं नहीं आप रख लो। तो गाइस 230 माइनस करो कितना, 270 रुपये मेरे को टिप आया ये ऑर्डर पे। तो चलो अपनी मजा हो गई। तो गाइस 5th ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो देखते हैं। 2 hours later गाइस अभी मैं आया था ऑर्डर लेके 6th ऑर्डर, ठीक है, कस्टमर को देने को। ये कस्टमर का गेट है, गेट तो बंद है। कस्टमर को मैंने फ़ोन किया कि सर मैं आपके बिल्डिंग में नीचे आया हूँ, तो बोलते कि हाँ तो ऊपर आ जाना, मेरा सर गेट तो बंद है। तो बोलते अरे क्या भैया अभी हम लोग हर ऑर्डर को नीचे आने का पिकअप करने के लिए, अब भाई अभी गेट ही बंद है तो मैं क्या करूँ, मैं खुद ही मार के जाऊँ क्या? तो कस्टमर बोलते हैं ठीक है रुको मैं आ रहा हूँ। मैं बोला ठीक है आ जाएगी, 5 मिनट हो गया, 7 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, कस्टमर बराबर 14 मिनट बाद आए और ऑर्डर लेके चले गए, ठीक है ऑर्डर लेके चले गए। मैंने उनको नाम पूछा तो ऑर्डर उन्होंने नाम बोला, मैंने ऑर्डर दे दिया भाई। ये 7th ऑर्डर लेके मैं भी आ चुका हूँ ऑर्डर देने के लिए गाइस।
तो कस्टमर की बिल्डिंग में अलाउ नहीं है। ये देखो गाइस गेट बंद है। कस्टमर को कॉल करके इन्फॉर्म किया तो कस्टमर बोले ठीक है 5 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, तो वेट करते हैं। आने के बाद कस्टमर को ऑर्डर दे देते फिर डिलीवर कर देते गाइस। अभी टाइम हो रहा है 3:55, मतलब चार बंदे को खाली 5 मिनट बाकी है गाइस। और इतना मज़ा आ रहा है ना ऑर्डर मारने को। अभी फिलहाल मैं सूस रोड में बानेट से ऑर्डर लेके आया सूस में, और ये बिल्डिंग का नाम है विंडोज, विंडोज बिल्डिंग के बाहर खड़ा। 7वां ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है। 21 मिनट में मैंने ऑर्डर को डिलीवर किया गाइस, और मेरे को पैसे मिले 56 रुपीज़, ठीक है गाइस। और अभी मेरे को गिरा है 8वां ऑर्डर, पिकअप दिखा रहा है 5.5 किलोमीटर का गाइस, और ड्रॉप दिखा रहा है 4 किलोमीटर का। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ पिकअप करने का ऑर्डर। फिलहाल मैं अभी सूस रोड पे हूँ, मतलब सूस रोड से थोड़ा बाहर आ गया, अभी बिटवास आ जाएगा गाइस। तो चलो जाते हैं 8वां ऑर्डर पिकअप करने। फाइनली अपना 8वां ऑर्डर भी पिकअप हो चुका है, अपने को एड्रेस मालूम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फटाक से जाके डिलीवर करता हूँ। आई थिंक 10 मिनट लग जाएगा अपने को डिलीवर करने के लिए। तो चलो जाके फटाफट से 8वां ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। अगर फटाक से जाके डिलीवर करूँगा जल्दी होगा एरिया में, तो आई थिंक एक ऑर्डर भी अपना हो जाएगा। तो भाई चलो फटाक से जाके ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। बिल्डिंग में आज का 8वां ऑर्डर लेके, तो गाइस ये ऑर्डर को डिलीवर करते हैं और देखते हैं ये ऑर्डर के कितने पैसे मिले और ये ऑर्डर को कितना टाइम लगा, ठीक है। और कस्टमर ने वो ऊपर मेंशन किया है डोंट नो रिंग द बेल, तो गाइस रात को बेल नहीं बजने का, तो कस्टमर के तो कॉल करूंगा या फिर धीरे से डोर नॉक कर दूंगा। तो गाइस फाइनल अपना लिफ्ट भी ऊपर आ चुका है, तो चलो गाइस ये ऑर्डर को डिलीवर कर देते, ठीक है। फुल सन्नाटा, कोई नहीं है ना। 8वां ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लेना, वो अमाउंट भी दिख रहा है नहीं, कुछ नहीं, आई थिंक नेटवर्क का इशू रहेगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 12 से 15 मिनट में मैंने ऑर्डर पर डिलीवर किया, और गाइस ये ऑर्डर के मिले मेरे को 50 रुपीज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नाइट के मेरे को उतने मिलते हैं। तो गाइस अभी अपने को जाने अपने एरिया में, अगर एक ऑर्डर हो गया तो ठीक है, तो देख लेते। और गाइस जैसे मैं गया ना कस्टमर के डोर के बाहर, तो कस्टमर बाहर ही खड़े थे, तो उनको ऑर्डर दे दिया। तो गाइस देखते हैं अभी एक ऑर्डर हुआ तो ठीक है, ना तो फिर घर पे चले जाएंगे। अभी कस्टमर के बिल्डिंग में आया हूँ, गेट पे सिक्योरिटी गार्ड दो है, वहाँ पे एंट्री किया, तो यहाँ पे आया मैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तो सोए है भाई, कैसे काम कर रहे हैं लोग, सो के पेमेंट मिलते हैं लोग को, चल ठीक है कोई भी हो भाई, जो भी हो काम कर रहे, सो के काम कर रहे, कुछ भी कर रहे, अपने को क्या करना है भाई, अपन इज्जत से जाके पार्सल दे दे, इज्जत से नीचे कुछ किया नहीं, जो था भाई आपको मैंने देखा था। गाइस अभी मैं आ चुका अपने एरिया में, मेरे को ऑर्डर तो नहीं गिरा। तो गाइस अभी अपने एक दोस्त है, काका है, वो अभी नाइट में भी काम करते हैं, तो उन्होंने भी मेरे को फोन किया, किधर है, मैं बोला इधर हूँ, तो दादा चाय पीने, तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि भाई चाय को अभी कभी ना नहीं बोल सकते, क्योंकि चाय के बिना अपना दिन भी जाता नहीं, तो चलो गाइस चाय पीने के लिए और देखते ऑर्डर गिरता है। तो गाइस आ जाओ सुबह सुबह चाय पीने के लिए, मैं और काका चाय पी रहे हैं। एंड गाइस फाइनली अपना चाय पी के हो गया, चाय पीने चाय पीते पीते हम लोग, मेरे को ऑर्डर गिर गया, पिकअप दिखा रहा है 1 किलोमीटर और ड्रॉप दिखा रहा है 10 किलोमीटर। गाइस फिलहाल मैं हूँ अभी रेस्टोरेंट के पास, तो गाइस अपना ऑर्डर रेडी हो रहा है, मेरे को टेंशन आ रहा है भाई पिंपरी में देना ऑर्डर इतना दूर, मतलब 10 किलोमीटर जाने का और 10 किलोमीटर वापस एम्प्टी अपने एरिया में आने का, भाई टेंशन आ रहा है। अपने जो अंकल थे उनको ऑर्डर गिर गया, उनको नियर बाय लोकल ऑर्डर है, वो ऑर्डर देके घर पे चले जाएंगे। चाय पी के हो गया अपना गाइस, तो मेरे को भी टेंशन आ रहा है इतना दूर जाने का, वापस एम्प्टी एरिया में आने का। चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, जाके फटाफट से ऑर्डर पिकअप करते, ऑर्डर डिलीवर करते हैं, 5 मिनट लगेगा ऑर्डर रेडी होने को, ये पिकअप करके जाके पिंपरी में डिलीवर करते हैं। गाइस फाइनली 5 मिनट वेट करने के बाद अपने को ऑर्डर मिल चुका है, तो चलो गाइस इसको जाके अब डिलीवर करना है 10 किलोमीटर, वो भी पिंपरी दिखा रहा है, बट आई थिंक मेरे को लग रहा है थोड़ा सा लोकेशन का कुछ डाउट है, पर चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर कुछ डाउट रहेगा तो कस्टमर को कॉल करके पूछ लेगा। गाइस सामने 3 बंदे लोग जा रहे हैं, देखो फुल मस्ती करते करते जा रहे हैं साइकिल पे, भाई 3 बंदे लोग जा रहे हैं साइकिलिंग करते करते, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। और गाइस ये देखो भाई, ये आई थिंक मेट्रो का कुछ सामान है, फुल सेफ्टी के साथ लेके जा रहे हैं। फिलहाल गाइस देखो सुबह के 5 बज चुके हैं और भाई कोई नहीं है रोड पे। देखो गाइस सुबह सुबह क्या दिख गया, छत्रपति शिवाजी महाराज, ओ माय गॉड गाइस, ये देखो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज पुतला व शिव सृष्टि। तो गाइस ये देखो अंदर है छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा पुतला, तो भाई ये देखो गाइस, गाइस मजा आ गया सुबह सुबह, मतलब क्या बोलूँ आपको, सुबह सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्शन हो गया भाई, देख के इतना भारी लग रहा, प्राउड फील होता है भाई, कि मतलब क्या बोलूँ आपको यार, मतलब भारी लगता है। सुबह सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्शन हो गया, तो अभी जाते हैं कस्टमर को ऑर्डर देने को।
कस्टमर के बिल्ले में आ चुका हूँ। तो गाइस ये ऑर्डर डिलीवर करते हैं और देखते हैं ऑर्डर के एग्जैक्ट कितने पैसे मिले और कितना टाइम लगा। ठीक है गाइस, नहीं ये ऑर्डर भी डिलीवर हो गया, नवा ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है गाइस। स्क्रीनशॉट देख लेना, यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिखा रहा है गाइस क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का कुछ इश्यू चल रहा है, पता नहीं क्या इश्यू है पता नहीं। तो गाइस मैं आपको अंदर जाके स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, तो ये स्क्रीनशॉट देख लेना गाइस। तो मेरे को ये ऑर्डर के मिले 98.6 रुपीज़, मतलब 99 रुपीज़ पकड़ लो। ठीक है गाइस, तो अभी फिलहाल मैं हूँ पिंपरी में गाइस। तो अभी मेरे को जाना है यहाँ से बाड़ेर जो कि है 10.5 किलोमीटर भाई, मतलब क्या बोलूँ। तो गाइस मेरे को ये ऑर्डर डिलीवर करने के लिए टाइम लगा 23 मिनट, तो अभी देखते हैं गाइस। तो अभी जाते हैं अपने एरिया में और जाके सो जाते हैं। ठीक है, फिर वीडियो को एंड करते हैं उधर जाके अपने एरिया में। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो फाइनली ये वीडियो को एंड करते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ 5 घंटे में मेरी कितनी अर्निंग हो चुकी है। ठीक है गाइस, ये भी स्क्रीनशॉट देख लेना गाइस, 5 घंटे में मेरे 9 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं और अर्निंग हो चुकी है 630 रुपया। ठीक है गाइस, 630 रुपये ये ऑर्डर अर्निंग हो चुकी है। और गाइस वो मेरे को कस्टमर ने 270 रुपये टिप दिया, मतलब 630 और 270 तो कितना हो गया 900 रुपया, मतलब 5 घंटे में 900 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। अगर गाइस मैंने अगर और 3 ऑर्डर मारे, मतलब कितना 9 और 3 12 ऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो कितना होता है मेरे को फिर इंस्टेंट आएगा 240 रुपीस, मतलब 900 और 240 कितना हो गया गाइस 1140 रुपये मेरी अर्निंग हो जाएगी। तो मतलब 1140 रुपये मेरी अर्निंग हो जाएगा, इसे समझ लो 5 घंटे में। ठीक है गाइस, और गाइस अभी मैं फिलहाल वीडियो एंड करता हूँ कर रहा हूँ। तो गाइस ये देखो अमर बिजनेस जोन के पास हुई है, जूडियो हमारा बिल्डिंग है चौक में। गाइस ये देखो मैं गंदरा चौक में बैठ के वीडियो एंड कर रहा हूँ। गाइस मैं जा रहा था घर पे, तो मैंने सोचा कि भाई घर पे जाके वीडियो कैसे एंड करेंगे क्योंकि गाइस बिल्डिंग में तो लाइट ही नहीं है, लाइट गया हमारे बिल्डिंग में। जस्ट अभी भाई ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, अच्छा हो तूने टाइम पे लॉगिन किया। तो गाइस अभी मैं जस्ट गणराज चौक में बैठ के वीडियो को एंड कर रहा हूँ और आते जाती पब्लिक है ना, मेरे को ये खाली घूर घूर के देख रही, भाई ये क्या कर रहा है सुबह सुबह क्या कर रहा है। तो गाइस मुझे पता है मैं क्या करूँ, आप लोग को पता है मैं क्या करूँ, बाकी जो मेरे को पब्लिक देख रही है उनका तो छोड़ दो, उन लोगों का तो काम है गाइस देखने का, तो छोड़ देने का इसे लोग को। तो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा, जरा सा भी अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में क्या अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आई गाइस आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, कर दो जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर दो, जल्दी से जल्दी तुम्हारे भाई का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर और काम करने को मजा आएगा। तो अपने भाई को जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो और जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर दो। गाइस अभी ये वीडियो को एंड करके गाइस मैं घर पे जाऊंगा और ये वीडियो को एडिट करके फिर सो जाऊंगा, कम से कम मेरे को 6-6:30 बजे के सोने के लिए। ठीक है गाइस, फिर मैं 12-1 बजे उठूंगा वापस काम पे आऊंगा, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए, आपको वीडियो दिखाने के लिए, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, कर दो जल्दी जल्दी गाइस 1K सब्सक्राइबर। ठीक है चलो बाय बाय। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।